ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਗਭਗ आज 12 और 13 दिन से हमारे खुद में माकड़ी सलोवा में पानी की एक भी बूंद नहीं जा रही है। हमने इस पानी के लिए विभाग से बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं की हैं, मगर आज दिन तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। यहाँ पर लोगों पानी पीने के लिए, पशुओं के लिए और सभी इस्तेमालों के लिए हम पानी से बिल्कुल लोग यहाँ के बिल्कुल वंचित हैं। पानी क्यों नहीं आ रहा, किस कारण बंद? पानी यहाँ पर भाखड़ा आरएल 1700 चेक पोस्ट के ऊपर हैवी स्लाइडिंग होने की वजह से यहाँ पर पाइपें टूट गई थी और पाइपें टूटने की वजह से पानी का जो था वो डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, जिस कारण पानी नहीं आया। मेरी मांग सरकार के आगे यही आग्रह है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए और लोगों को पानी मिल सके। दिक्कत तो बहुत है सर, यहाँ भाखड़ा का जो फर्स्ट बैरियर था 1700 आरएल के नाम से, वहाँ बहुत स्लाइडिंग हुई हैवी, जिसकी वजह से पानी की जो पाइपें थी वो झील में पहुंच गई, नीचे खराब हो गई, टूट गई। और तकरीबन 15 दिन हो गए हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है। 3-4 पंचायतों के लिए यहीं से पानी जाता है और लोग जो नालों का गंदा पानी है वो पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं सुबह खुद अपने घर के लिए एक नाले से पाइप लगा के 200 लीटर का ड्रम भरा, जिससे हमारी गाय रखी हुई है हमने उसको पानी दिया। स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। कोई पूछ नहीं रहा, कोई प्रशासन नहीं कोई हमारी मदद कर रहा है। बीबीएमबी वालों ने रोड खोल दिया लेकिन जो मलबा है नहीं उठा रहे। वाटर सप्लाई वाले बोलते हैं ये मलबा उठेगा पाइप तब जुड़ेंगे। नहीं, एक्चुअली ऐसा यहाँ पे जो स्लाइड हुआ था पहले, तो हमारी जो पाइपलाइन थी 2 थी 4 इंच की थी और 6 इंच की थी, तो दोनों बह गई थी पहले बारिश के कारण जो स्लाइड हुआ था। लेकिन अब ऐसा कि 4 इंच की तो थ्रू हो गई है, लेकिन 6 इंच की हम मतलब फ्लेक्सिबल पाइप नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं कि कल से जीआई पाइप यहाँ पे वेल्ड कर दिया थ्रू द रोड ही, तो कल से ऐसा कल ये लाइन थ्रू हो जाएगी। तो पाइप्स आ चुकी हैं। नहीं, सप्लाई तो बंद थी लैंडस्लाइड की वजह से। अब उठेगा तो इतने जो स्लाइड है ये इतना ही उठेगा जो मतलब थ्रू करने के लिए। पाइप हम साइड से लगा देंगे, रोड के साइड से लगा देंगे ऐसा।